A circular disk of radius b has a hole of radius a at its center. If the mass per unit area of the disk varies as sigma naught by r, then the radius of gyration of the disk about its axis passing through the center is. So the question is, हमारे पास disk है और उसका radius जो है वो small b दिया हुआ है और इसमें एक hole है a का. तो द शेडेड पार्ट दिखाता हूँ. दिस इज द एक्चुअल डिस्क रिमेनिंग. ठीक है, हमें इसका रेडियस ऑफ गिरेशन निकालना है इस डिस्क का. और हमें इस डिस्क की स्पेशल बात ये दे रखी है कि जो डेंसिटी है वो इस तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, यानी कम होती चली जाती है. यहाँ सबसे हल्की होगी लाइट और पास में ज़्यादा होगी. कैसे करें? ये डिस्क है तो हम इसका एक एलिमेंट ले लेंगे. हमने बताया था पहले भी आपको, हम एलिमेंट लेते हैं और एलिमेंट जिस शेप का होता है उसके लिए जो फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो हम लिख लेते हैं, है ना. हमने एलिमेंट ले लिया ये, और ये बहुत ही थिन सी एक रिंग ले ली है हमने एलिमेंट. तो हमको पता है कि रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है. ओके, तो ये हमारी रिंग है. अब इसके लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, डी आई इज इक्वल्स टू रिंग का मास डी एम इंटू रिंग का रेडियस, लेट्स कॉल इट एक्स. आर लिया तो आर ले लो. ठीक है, अब मास तो लिखना आता आ चुका होगा. दैट इज डेंसिटी, एरियल डेंसिटी, दैट इज सिग्मा टाइम्स द एरिया ऑफ द दिस रिंग, दैट इज सर्कमफ्रेंस इंटू लेंथ, दैट इज टू पाई आर इंटू लेंथ इज, या थिकनेस कह सकते हैं डी आर आर स्क्वायर. और अब हम सिग्मा को रिप्लेस करेंगे के बाई सिग्मा नॉट पाई आर से, ये दे रखा है, इंटू टू पाई आर डी आर इंटू आर स्क्वायर. अब सारी चीज़ एक साथ लिख लो, टू पाई सिग्मा नॉट, एक आर से आर कैंसिल, आर स्क्वायर, तो टू पाई सिग्मा नॉट लिख लिया, आर कैंसिल, आर स्क्वायर डी आर. ये हमारा डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका. अब हमें इसको इंटीग्रेट कर लेना चाहिए. टू पाई सिग्मा नॉट ये आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर बाई आर क्यूब बाई थ्री. कहाँ से कहाँ? ए से, दिस इज द रेडियस ए फ्रॉम ए टू बी, सो वी हैव टू पाई सिग्मा नॉट बाई थ्री बी क्यूब माइनस ए क्यूब. अब हमें ये पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला होता है मास इनटू रेडियस ऑफ गिरेशन का स्क्वायर. तो अगर हम चाहते हैं कि के स्क्वायर निकल आए और फिर स्क्वायर रूट से के निकल आए तो मास को हमें निकालना पड़ेगा. सो हम बता चुके हैं पहले मास कैसे निकालते थे, सॉल्विंग फॉर मास. तो उसके लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. डी एम क्या था? सिग्मा डी आर. और सिग्मा क्या है? सॉरी, सिग्मा डी एरिया. और सिग्मा है सिग्मा नॉट बाय आर. और एरिया क्या होता है? सर्कमफ्रेंस टू पाई आर इंटू थिकनेस डी आर. ये कैंसिल, सो इट इज़ नथिंग बट टू पाई सिग्मा नॉट इंटू डी आर, दैट इज़ द डी एम. सो मास कितना हो जाएगा? टू पाई सिग्मा नॉट, और डी आर का हो जाएगा आर. कहाँ से कहाँ? ए से बी, वहीं तो मास है बस. टू पाई सिग्मा b माइनस ए हमारा मास आ गया. और हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? टू पाई सिग्मा नॉट डिवाइड बाय थ्री बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, जिसको हम एम के स्क्वायर भी एम के स्क्वायर भी लिख सकते हैं. अब आप m नीचे ले आइए, टू पाई सिग्मा नॉट बाय थ्री, और m नीचे ये वाला लिख लो, टू पाई सिग्मा, ये भी नॉट है, ये बी क्यूब माइनस ए क्यूब तो लिखना ही है ना. ये एम नीचे ले आया हूँ, एम बी माइनस ए. अब आ गया के स्क्वायर, ये कैंसिल. बी क्यूब माइनस ए क्यूब होता है बी माइनस ए, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, दैट इज के स्क्वायर. सो वी हैव के इज इक्वल्स टू थ्री रह गए, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाई 3, सो दैट इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट ऑप्शन।